जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आदिशक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवन्नी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, जो वीडियो होगा, वह होगा 9 जुलाई 2023 के दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल की बात करेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए 9 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, बात करेंगे दैनिक पंचांग की। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए बात करते हैं दैनिक पंचांग की, उसके बाद बात करेंगे दैनिक राशिफल की। तो 9 जुलाई 2023 को जो है पंचांग की बात करते हैं। तो विक्रम संवत 2080 होने वाला है, शक संवत जो है 1945 होगा और चंद्रमा से जो है श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और सूर्य भगवान से जो है अभी अषाढ़ मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि होगी, कृष्ण पक्ष है और कृष्ण पक्ष की जो है सप्तमी तिथि आज होगी, यानी कि 9 जुलाई 2023 को सप्तमी तिथि रहेगी। उत्तर भाद्रपद नाम का नक्षत्र रहेगा और शोभन योग होगा, विष्टिकरण होगा और बात करते हैं अशोक काल की यानी कि राहु काल की। तो 9 जुलाई 2023 में को जो है राहु काल होगा आप 5:38 सायंकालीन से लेकर के और 7:22 तक रहेगा। तो इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की यानी कि अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वह होगा 9 जुलाई 2023 को दोपहर 11:59 से लेकर के यानी कि 12 बजे से लेकर के और 12:54 तक रहेगा। तो इस अभिजीत मुहूर्त में जो है कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य, जिस कार्य से आपको अधिक समय तक लाभान्वित होना है, उस कार्य को जो है आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में वह कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य भगवान मिथुन राशि में संचार करेंगे। बात करते हैं सूर्य उदय की। तो सूर्य भगवान जो है सुबह प्रातःकालीन 5:29 पे उदय होंगे और सायंकालीन 7:22 पे सूर्य भगवान अस्त होंगे। अब बात करते हैं दैनिक राशिफल की। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि की। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, 9 जुलाई 2023 का दिन कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा, धैर्यशीलता आपको बनाए रखने का प्रयास करना है, घर परिवार में धार्मिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं, वस्त्रों पर खर्च आपका अधिक होता हुआ दिख रहा है, सेहत का आपको रखना है ध्यान, नौकरी में अवसरों का संयोग जरूर मिलेगा, तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं, माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है और आज जो है खर्चों की अधिकता आपकी रहेगी, यात्रा के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। माँ भगवती का पूजन करें, रक्त पुष्प माँ भगवती को समर्पित करें, लाल फूल चढ़ाएं और माँ भगवती से का पूजन करते हुए अपने कार्य को प्रारंभ करें तो माँ भगवती का आशीर्वाद हो प्राप्त आपको होगा। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, 9 जुलाई 2023 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, आत्मविश्वास से आज आप भरे रहेंगे, शिक्षा कार्यों के लिए यात्रा पर जा सकते हैं, शिक्षा के कार्यों के लिए, और दिनचर्या आज थोड़ा सा अव्यवस्थित हो सकती है, मित्रों का संयोग मिलेगा, आशा निराशा के मिले जुले भाव आपके मन में आएंगे, कारोबार का विस्तार होता हुआ दिख रहा है, भाई बहन का संयोग मिलेगा, लाभ के अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं, अनावश्यक जो तनाव है उससे आज आपको बच करके रहना है। प्रातःकालीन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए और उसके बाद जो है माँ भगवती का ध्यान करें, पूजन करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2023 यानी कि रविवार का दिन। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, नौकरी में तरक्की के अवसर आज आपको मिल सकते हैं, परंतु स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, धार्मिक संगीत की तरफ आपकी रुचि बढ़ते हुए दिख रही है, पारिवारिक जो जीवन है वह कष्टमय हो सकता है, मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे, वाणी में सौम्यता रहेगी, आत्मविश्वास से आज आप परिपूर्ण रहने वाले हैं।
आपको गणेश जी का पूजन करना है, गणेश जी का ध्यान स्मरण करते हुए अपने कार्यों को प्रारंभ करें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, वाणी में मधुरता आज आपकी रहेगी और नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आय में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। विदेश यात्रा के भी आज योग आपके लिए बन रहे हैं। कार्यों के प्रति उत्साह और जोश आज आप में खूब रहेगा। वाहन सुख में आज वृद्धि के योग दिख रहे हैं। धैर्यशीलता में कमी रहेगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। परिवार का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आज आपको विष्णु भगवान का पूजन करना है और नारायण कवच का पाठ करना है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2023 का दिन। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, मन में शांति एवं आज प्रसन्नता रहने वाली है। परिवार में धार्मिक कार्य आज हो सकते हैं। भागदौड़ आज अत्यधिक रहेगी। मित्रों का संयोग मिलता हुआ दिख रहा है। पिता के स्वास्थ्य का आपको रखना है ध्यान। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। भवन के रख रखाव पर कुछ खर्चे आज बढ़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी सिंह राशि के जातक हैं, आपको हनुमान चालीसा का आज करना है पाठ, हनुमान जी का करना है पूजन तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, शिक्षा के कार्यों में आज आपका खूब मन लगता हुआ दिख रहा है और बौद्धिक कार्यों में आज जो है वृद्धि होते हुए दिख रही है। आय में वृद्धि आज होते हुए दिख रही है बौद्धिक कार्यों से। किसी मित्र के साथ आज किसी यात्रा पर भी कहीं आज जा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। परिश्रम आज आपका अत्यधिक रहेगा। आत्मविश्वास में भी कमी रहेगी। संयमित आज आपको रहना है। पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। दैनिक जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है और रुके हुए धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं तो आपको माँ भगवती का पूजन करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि तुला राशि के जातकों के लिए 9 जुलाई 2023 यानी कि रविवार का दिन कैसा रहेगा। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आशा निराशा के भाव आपके मन में रहेंगे। कारोबार पर ध्यान आपको देना है। कठिनाइयां थोड़ा सा आज आ सकती हैं। किसी मित्र के संयोग से नौकरी के अवसर भी आज आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी आज आप जा सकते हैं। क्रोध आज थोड़ा सा अधिक रहेगा, इसलिए क्रोध से आज आपको बचे रहना है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टमय रह सकता है। सेहत का भी ध्यान रखें और आलस्य की आज अधिकता रहने वाली है। आलस्य जो है अधिक आज होने वाला है। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपको भी माँ भगवती का पूजन करना है। माँ भगवती का पूजन कर करके आपको जो है छोटी छोटी कन्याओं को कुछ उपहार के स्वरूप में देना है और जिससे माँ भगवती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपको लाभ की प्राप्ति हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, पठन पाठन में आज आपकी रुचि बढ़ते हुए दिख रही है। शिक्षा के कार्यों में सुखद परिणाम आज आपको मिलते हुए दिख रहे हैं और बौद्धिक कार्यों से जो है आज आपके आय में वृद्धि होते हुए दिख रही है। स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कारोबार में कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि के योग दिख रहे हैं और अनियोजित खर्च आज आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। माता का सानिध्य और संयोग आज आपको जरूर मिलेगा और भवन सुख में भी वृद्धि के योग दिख रहे हैं। भवन सुख में आज आपके वृद्धि होते हुए दिख रही है। प्रातःकालीन भगवान गणेश जी का आपको करना है पूजन और गणेश जी को आपको दुर्वा समर्पित करनी है और गं गणपते नमः का इस मंत्र का आपको जाप करना है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2023 रविवार का दिन। तो जितने भी धनुराशि के जातक हैं, मन परेशान आज हो सकता है। नौकरी में भी और कार्य क्षेत्र में भी बदलाव आज दिख रहा है। परिश्रम आज आपका अत्यधिक रहेगा। कारोबार में परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। परिश्रम आज आप अत्यधिक करेंगे। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होते हुए दिख रही है। शासन सत्ता से जो है कष्ट आज आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। व्यर्थ के विवाद एवं झगड़ों से बचने का आपको करना है प्रयास और धर्म कर्म में आज आपकी रुचि बढ़ते हुए दिख रही है। मित्रों का संयोग भी आज आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
माँ जितने भी धनुराशि के जातक हैं आपको जो है हनुमान चालीसा का आज आपको करना है पाठ और हनुमान जी की आशीर्वाद हनुमान जी की कृपा दृष्टि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2023 यानी कि रविवार का दिन। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं संयमित आज आपको रहना है, व्यर्थ के क्रोध से आपको बचना है, वाद विवाद से आज आपको बचना है, पारिवारिक जीवन कष्टमय आपका हो सकता है, किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है और मित्रों का संयोग भी आज आपको खूब मिलेगा, भाई बहनों से वैचारिक जो मतभेद हैं वह आपके हो सकते हैं, माता का साथ आज आपको मिलेगा और आज जो है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति हो सकती है, एक क्षण में रुष्ट और एक क्षण में तुष्ट हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आज रहने वाली है। शिक्षा के कार्यों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आज आपको क्या करना है कि विष्णु भगवान का पूजन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और आज पीली वस्तुओं का आज आपको करना है दान, तो आज आपको होगी लाभ की प्राप्ति। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं आज आपको आत्म संयमित रहने की आवश्यकता है। नौकरी में जो है अपने अफसरों का आज आपको संयोग मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होते हुए दिख रही है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि से कुछ परेशानियां भी थोड़ा सा आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में, परंतु वृद्धि के योग दिख रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखने का आपको करना है प्रयास। किसी पैतृक संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं। बातचीत में थोड़ा सा आज आपको संयमित रहना है। धार्मिक कार्यों के प्रति जो है रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है और माता के स्वास्थ्य का आज आपको रखना है ध्यान। तो इन बात माता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, आज करना है आपने भगवान गणेश जी का पूजन, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का आपको करना है जाप, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जो अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 9 जुलाई 2023 का दिन, तो बात करते हैं मीन राशि के जातकों। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण आप रहेंगे, बातचीत में आज आप संयमित रहेंगे, व्यर्थ के झगड़े एवं विवादों से आज आपको बचना है, व्यर्थ की भाग दौड़ आज आपकी हो सकती है, कारोबार में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख रहा है, यात्राएं आपकी लाभप्रद रहेंगी, जो आपका संचित धन है जो जमा पूंजी है उसमें कुछ कमी आज आ सकती है, नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि कार्य जो है उनमें आप सब आज आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। नौकरी के लिए अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं कोई साक्षात्कार आदि इत्यादि कार्य हैं तो उनमें आज आपको सफलता मिलेगी और सुखद समाचार आज आपको मिलेंगे। आज के दिन को अति जो है लाभदायी बनाने के लिए अति प्रिय बनाने के लिए आपको करना है माँ भगवती का पूजन, माँ भगवती का ध्यान स्मरण प्रातःकालीन आप करें और फिर उसके बाद अपने कार्यों को शुरू करें तो निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों का दैनिक राशिफल और दैनिक पंचांग यानी 9 जुलाई 2023 रविवार के दैनिक पंचांग और दैनिक राशिफल की जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।